नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में यह वीडियो राजभाषा हिंदी प्रश्न बैंक पर आधारित है इस वीडियो में सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल की गई है आंसर है नेपाली भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल की गई है अगला क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग का गठन सात जून 1955 में हुआ था संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 348 में दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद तीन सौ तिरालीस में दिए गए हैं अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद तीन सौ पैंतालीस में दिए गए हैं किस राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत है आंसर है उत्तराखंड की हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं तीन सौ इक्यावन में दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है अंग्रेजी राजभाषा है अरुणाचल प्रदेश की रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य और गजल संग्रह हेतु कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है उत्तर है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना रेल कर्मचारियों की साहित्य प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह है। उपन्यास के लिए कौन सी पुरस्कार योजना चलाई गई है प्रेमचंद पुरस्कार योजना मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है इसमें बीस हजार रुपये प्रथम पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं वैसे ही अगला क्वेश्चन है मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार योजना में दूसरा पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है दूसरे पुरस्कार में दस हजार रुपये राशि दी जाती है और तीसरे पुरस्कार में सात हजार दी जाती है प्रेमचंद पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है तो इसमें भी प्रथम पुरस्कार में बीस हजार रुपये द्वितीय पुरस्कार में दस हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार में सात हजार रुपये दिए जाते हैं हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है पाँच हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक विभाग के अधिकारियों हेतु हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं दो पुरस्कार दिए जाते हैं पाँच पाँच हजार रुपये के दो हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना का क्या नाम है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी लेखन पुरस्कार योजना लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी लेखन पुरस्कार योजना में कितनी धनराशि दी जाती है प्रथम पुरस्कार के रूप में बीस हजार रूपये द्वितीय पुरस्कार के रूप में दस हजार रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में सात हजार रूपए दिए जाते हैं रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना में कौन भाग ले सकता है सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना में कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है प्रथम पुरस्कार दस हजार रूपये द्वितीय पुरस्कार में आठ हजार रूपये और तृतीय पुरस्कार में छः हजार रूपए दिए जाते हैं रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में कुल कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं दो श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं राजपत्रित और अराजपत्रित मतलब गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में राजपत्रित श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है तो राजपत्रित माने गजेटेड ऑफिसर को पहला जो पुरस्कार दिया जाता है छः हजार रुपए का और द्वितीय जो पुरस्कार दिया जाता है वो है चार हजार रुपये का रेल मंत्री निबंध प्रतियोगिता में आज पत्रित श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है तो यहाँ पे भी नॉन ग्रेजुएटेड ऑफिसर की बात हो रही है और पुरस्कार दोनों के सेम हैं सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है प्रथम पुरस्कार में पाँच पाँच हजार रुपये दिए जाते हैं दो व्यक्तियों को वैसे ही द्वितीय पुरस्कार में तीन तीन हज़ार रुपये दिए जाते हैं तीन व्यक्तियों को दिए जाते हैं ये पुरस्कार अगला है तृतीय पुरस्कार दो दो हजार रुपए का दिया जाता है और ये पांच व्यक्तियों को दिया जाता है रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रश प्रथम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है तो यहाँ पर प्रथम पुरस्कार में पांच हजार रुपए दिए जाते हैं द्वितीय पुरस्कार में चार हजार रुपए दिए जाते हैं और तृतीय पुरस्कार में तीन हजार दिए जाते हैं क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है तो प्रथम पुरस्कार में दो हजार रुपये द्वितीय पुरस्कार में सोलह सौ रुपये और तृतीय पुरस्कार में बारह सौ रुपये दिए जाते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना कितनी श्रेणियों में दी जाती है तो तीन श्रेणियों में दी जाती है रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों तथा अराजपत्रित वर्ग कर्मचारियों के लिए निर्धारित है राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किया उन्नीस सौ साठ में जारी किया केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन हैं तो यहाँ पर उपाध्यक्ष तो गृह मंत्री है लेकिन कई बार अध्यक्ष भी पूछ लेता है तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं रेलवे मंत्री होते हैं मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यालय कितने वर्ष का होता है एक वर्ष का होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु तो कुल कितने पाठ्यक्रम होते हैं तो चार पाठ्यक्रम होते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम कौन कौन से होते हैं तो पहला है प्रबोध दूसरा है प्रवीण तीसरा है प्रयाग और चौथा है परांगत राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग तैयार करता है मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है तो मंडल रेलवे प्रबंधक मतलब डी आर एम होता है क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है महाप्रबंधक होता है मतलब जी एम होता है भारतीय रेलवे में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है तो तीन माह में एक बार होती है तो एक वर्ष में चार बार हो जाती है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में एक बार होती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है प्रबोध नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी होता है थैंक यू दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को दबा लेते हैं तो हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और अगर आप हमारे साथ सारी वीडियो देखते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं और से मैटर जो है आपको देखने की ज़रूरत होगी क्योंकि हमने शुरुआत हिंदी से की है हम एक एक करके सभी विषय पर वीडियो जो है बनाएंगे धन्यवाद